हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस GTS के 5 लिस्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, 4 लिस्ट तक आ चुका था, आज हम 5 लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कैसे आप इसको अपना चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको गूगल में आ जाना है। तो दोस्तों हम गूगल में आ गए। गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है GDS। ओके दोस्तों, हम पहले से यहाँ सर्च करके रखे हैं, तो इसको हम क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों ये आप आ गए। ओके दोस्तों, तो आप इसमें जो इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS ऑनलाइन लिखा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे पहला लिंक को, तो आप इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ओके दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, अभी जहाँ फोर्थ दिख रहा था वहाँ पर सप्लीमेंट्री लिस्ट 5 ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ ऑल सर्किल इज रिलीज्ड। ओके दोस्तों, मतलब सारे सर्किलों के टोटल जो 38,900 कुछ वैकेंसी आई थी इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS का, उसमें 4th लिस्ट तक आ चुका था रिजल्ट। अब फाइनली 3 दिन पहले का ये रिजल्ट आया हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बधाई। और आप हमारे अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको। टोटल 23 सर्किल हैं। 2300 सर्किल में आप देख सकते हैं कि 2300 सर्किल का फिर से 5 लिस्ट आपका रिजल्ट ओपन हो गया है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का 5 लिस्ट आ चुका है। तो दोस्तों आपको सिंपली कैसे चेक करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट कर्नर। ओके दोस्तों, कैंडिडेट कर्नर में आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे दोस्तों शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 23 के 23 सर्किल यहाँ पर आपको नाम शो करेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल। ओके दोस्तों, यहाँ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सभी सर्किलों का 5 लिस्ट आ चुका है। तो आप जैसे फर्स्ट आपका आंध्र प्रदेश है तो इसी को आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर अभी तक 4 ही लिस्ट शो कर रहे थे शॉर्ट लिस्ट सप्लीमेंट्री शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। ओके दोस्तों, पहला लिस्ट आपका ये हो गया, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, चौथा लिस्ट, अब ये फाइनली आपका 5वां लिस्ट आ गया है एक और। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसमें अपना चेक करना है कि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो आप जिस भी सर्किल से होंगे, जिस भी स्टेट से होंगे, वो अपना यहाँ पर स्टेट जिस जोन से आपने फॉर्म भरा होगा वो जोन को आपको यहाँ क्लिक कर लेना है सर्किल को। ओके दोस्तों, तो जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको बिहार का दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, बिहार वाले लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, आप जिस भी सर्किल से होंगे उस सर्किल को आप क्लिक करके अपना फाइव लिस्ट देख सकते हैं। ओके दोस्तों, 4th लिस्ट के बाद 5 लिस्ट आ चुके हैं। तो हम एक बिहार को देखते हैं। बिहार में आप ये देखिए 5वां नंबर जो दिख रहा है सप्लीमेंट्री लिस्ट 5, तो इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप सीधे PDF फाइल में आ जाएंगे। PDF फाइल आने के बाद आपको यहाँ सारा शो करेगा कि आपका कितना परसेंटेज पर सिलेक्शन हुआ। और ये आपका दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो ये लिस्ट दिखा रहा है सर्किल 4th बिहार और सर्किल 5th। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कब तक इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने का डेट दिया गया है, तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बिफोर 6/10 मतलब 6/10/2022 तक आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए इस एड्रेस पे आपको पहुँचना होगा। ओके दोस्तों, और नहीं पहुँचते हैं तो आपके लिए आपको इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, जैसे पिछले वीडियो में बताया था आपको। ओके दोस्तों, तो बिहार सर्किल के आप जो भी कैंडिडेट होंगे उनका अपना नाम सर्च करने के लिए यहाँ पर एक लेंस का साइन दिया रहता है, यहाँ पर अपना नाम सर्च करके देख सकते हैं कि आपका नाम आया है कि नहीं 5th लिस्ट में। ओके दोस्तों, तो जैसे मैं एग्जाम्पल में एक नाम सर्च करता हूँ, मुकेश, ठीक है, मुकेश कुमार, तो सर्च करके देखता हूँ नाम आया है कि नहीं आया है। अगर आया होगा तो यहाँ शो कर देगा दोस्तों यहाँ पे नो मैच, मतलब मुकेश कुमार जो भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे दोस्तों कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा टोटल कितने कैंडिडेट हैं। तो आप नीचे आएंगे और इसमें भी 5 लिस्ट जो आया है उसमें भी हाईएस्ट परसेंटेज गया है बिहार का। आप देख सकते हैं 98.98.98.98.99.99.98.99 बिहार सर्किल का जो भी अभी परसेंटेज गया है 98 के आसपास ही किया गया है। ओके दोस्तों,
टोटल जो कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, आप सबसे नीचे वाले पेज में आएंगे तो आपको शो कर जाएगा कि कितने आपके सर्किल में, बिहार सर्किल के कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ फिफ्थ लिस्ट में, तो 560 कैंडिडेटों का। ओके दोस्तों, तो 560 लोग अभी जाएंगे जी। इसमें ये भी है कि जिनका हो गया था लेकिन उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराने गए हैं तो उनको काट दिया गया, उनके जगह फिर दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्शन किया गया। तो यहाँ पर रिलीजिंग डेट आपको दिखाया गया है कि देख सकते हैं 21/9/2022 को ये रिजल्ट को यानी फिफ्थ फाइव वाले लिस्ट को घोषित किया गया है। ओके दोस्तों, और जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है तो उनको SMS और मेल के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा उनके, ये आपको इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गया बिहार का। अब दूसरे सर्किल का भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप मध्य प्रदेश का देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का फिफ्थ लिस्ट आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट रहेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, GDS ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्किल 4 मध्य प्रदेश और लिस्ट 5। ओके दोस्तों, इनका भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने का डेट दिया गया है 6/10/2022 तक दिया गया है, और नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी एनी गिवन शॉर्ट कैंडिडेट, एनी मतलब किसी भी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। ओके दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में टोटल कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ का हाईएस्ट कितना परसेंट गया है, तो आप देख सकते हैं 92% सबका हाईएस्ट ही गया है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पर टोटल नीचे कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप नीचे वाले पेज में, सबसे नीचे वाले पेज में आके देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 772 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, और ये भी रिजल्ट भी 21/9/2022 को घोषित हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपना जिस भी सर्किल से हैं अपना रिजल्ट को देख सकते हैं, फिफ्थ लिस्ट में आपका नाम आया है कि नहीं। जिन भी कैंडिडेट का नाम आ गया होगा उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए 6/10/2022 से पहले पहले। ओके दोस्तों, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा GDS ग्रामीण डाक सेवा। तो इस तरह से आप सभी सर्किलों का चेक कर सकते हैं, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल घंटा को दबा दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है मेरे द्वारा दिए गए इस वीडियो में जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।